नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह का निधन हो गया है। सदानंद सिंह की तबीयत बीते कुछ दिनों से खराब चल रही थी और आखिरकार आज उन्होंने अंतिम सांस ले ली है। आपको बता दें कि वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह पटना के सगुना मोड़ स्थित क्यूरिस अस्पताल में भर्ती थे, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। सीएम नीतीश ने भी इस दौरान शोक संवेदना व्यक्त की है और कहा कि स्वर्गीय सदानंद सिंह अनुभवी राजनेता थे। वो अपने क्षेत्र में लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे। उन्होंने अपने व्यक्तित्व की बदौलत समाज के सभी वर्गों का आदर एवं सम्मान प्राप्त किया। बिहार सरकार में सिंचाई और ऊर्जा राज्य मंत्री भी रह चुके थे। उनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध था। उनके निधन से मैं मर्माहत हूँ। बिहार की राजनीति में उनका अहम योगदान था। उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। स्वर्गीय सदानंद सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किए जाने की घोषणा भी उन्होंने की है। दिवंगत आत्मा की शांति और उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। वहीं इस दौरान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि सदानंद भाई हमारे गहरे मित्र में थे। उनकी मौत से मैं अत्यंत दुखी और मर्माहत हूँ। साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शोक जताया है। बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री श्री सदानंद सिंह जी के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। उनका लंबा सामाजिक राजनीतिक अनुभव रहा। वो एक कुशल राजनेता थे। ईश्वर से उनकी आत्मा को शांति और शोक संपत्त परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। आपको बता दें कि सदानंद सिंह 2000 से 2005 तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। वो 1990 से 1993 तक जिला कांग्रेस कमेटी भागलपुर के अध्यक्ष रहे थे। वो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी रहे। वो करीब 10 साल से कांग्रेस विधायक दल के नेता के पद पर रहे। सदानंद सिंह बिहार सरकार में सिंचाई और ऊर्जा राज्य मंत्री रह चुके थे। सदानंद सिंह की गिनती बिहार के सबसे अनुभवी कांग्रेस नेताओं में से होती रही है। वो भागलपुर की कहलगांव विधानसभा सीट से 12 बार चुनाव लड़ चुके थे, जिसमें से 9 बार उन्होंने जीत हासिल की। सदानंद सिंह के नाम सबसे ज्यादा बार विधानसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। साल 2015 में वो कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बावजूद अपनी सीट बचाने में सफल रहे थे। सदानंद सिंह के गुजर जाने की खबर आने के साथ ही बिहार के राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी समेत कई नेताओं ने भी इस दौरान उनके निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने भी शोक व्यक्त की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सदानंद सिंह बीते लंबे समय से अस्पताल में भर्ती थे। हालांकि कई बार ये मुद्दा उठाया गया है कि जब वो अस्पताल में भर्ती थे तो कांग्रेस की तरफ से कोई भी उनसे मिलने नहीं गया था। हालांकि अब उन्होंने आखिरी सांस ले ली है, जिसके बाद अब उनके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।